बैकलॉग और लॉकडाउन इंडिया में कोविड से पहले लॉकडाउन वर्ड बहुत कम लोगों को पता था और इमिग्रेशन इंडस्ट्री में ठीक है स्पेशली कनाडा इमिग्रेशन इंडस्ट्री में आज से एक सवा साल पहले जो बैकलॉग वर्ड है वो कहीं ना कहीं सुनने में बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आता था तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि दैट कैनेडा इमिग्रेशन का बैकलॉग इतना है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का आज से डेढ़ साल पहले जब कोविड नाइन्टीन आया हर एक कंट्री ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस है जो स्ट्रिक्ट कर दी कैनेडा ने भी रिस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्ट कर दी ठीक है उन्होंने ये चीज़ तो कह दी कि आप हमारी कंट्री में नहीं आ सकते क्योंकि कोविड फैलता है लेकिन ये चीज़ नहीं कही कि दैट आप एप्लीकेशन भी मत प्रोसेस करो क्योंकि उससे उनको रेवन्यू जनरेट होता है चलो ये तो डिफरेंट थिंग है आज की वीडियो में बात करेंगे कि बैकलॉग पर जो अपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है बहुत सारी काफ़ी सारी वीडियोस आपने देखी होंगी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि कंप्लीट एक वीडियो बनाएं तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वीडियो बहुत ही खास होने वाली है तीन चार मेजर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो जसराज सिंह हैं कंजर्वेटिव पार्टी से जैनी कौन है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से उन्होंने अपील किया शॉन फ्रेज़र को ठीक है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट लेकर आएँ और जिससे इमिग्रेशन सिस्टर सिस्टम है जो स्मूथ हो सके क्योंकि कनाडा की जो लेबर की शॉर्टेज है आप सभी को भी पता है आने वाले कुछ साल में बहुत ज़्यादा लोग रिटायर होने वाले हैं लेबर शॉर्टेज काफ़ी है तो सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज़ कही है कि मार्कस मैंडीचिनो जो पहले इमिग्रेशन मिनिस्टर थे उन्होंने ये चीज़ कही थी कि कैनेडा के इमिग्रेशन सिस्टम को बैक टू नॉर्मल आने में कुछ समय लग सकता है कुछ समय मतलब उन्होंने कहा था कि दो से तीन चार साल का समय लग सकता है डिपेंड अपॉन सिचुएशन सबसे पहले तो बैकलॉग का कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दैट जा तो आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही ना करो अगर आपने एक्सेप्ट करनी है तो अपने सिस्टम को इतना स्मूथ रखो कि ठीक है लोग वेट कर सकते हैं बट वेट भी एक हद तक होती है तो जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने ये चीज बताई कि सबसे पहले तो बैकलॉग एक्चुअल बैकलॉग अब कितना है क्योंकि जब इलेक्शन हुई थे ठीक है इलेक्शन से पहले का जो डाटा आप सभी को पता है कि कितना बैकलॉग है उसके बाद भी बैकलॉग अभी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि उतने रिजल्ट आ रहे हैं उतनी एप्लीकेशन फिर से लॉज हो रही है तो उसको लेकर आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए सोन फ्रेजर को उन्होंने बोला है दूसरी चीज इकोनॉमिक इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कैनेडा के इमिग्रेशन सिस्टम में और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कन्फर्मेशन ऑफ पी आर है जो एक्सपायर हो चुकी है तो उन्होंने कहा है कि उन लोगों की एप्लीकेशन को आप ऑटो रिन्यूअल कर दें बिकॉज कैनेडा ने कहा था कि अगर आपकी कन्फर्मेशन ऑफ पी आर एक्सपायर हो चुकी है आपके लिए कुछ ना कुछ अपडेट लेकर आएंगे कैनेडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्कस मैंडीचिन उन्होंने ये चीज कही थी अब उन्होंने जो उनको सजेशन दिया लेटर में जो स्पेशली फोर पेज का लेटर है कि आप जो कन्फर्मेशन ऑफ दी पी आर वाले लोग हैं उनका जो स्टेटस है ऑटो रिन्यू कर दें इससे आपका वर्कलोड भी कम होगा और उनका जो एक प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन उसका जो सॉर्ट आउट भी निकल आएगा तो लेट्स सी कैसे इस चीज को वो करते हैं दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ट्वेंटी ट्वेंटी की बहुत सारी एप्लीकेशन हाई कमीशन में पेंडिंग पड़ी है बजाय उनके ऊपर वर्क करने से आप उन एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क कर रहे हो जो टी आर टू पी आर की एप्लीकेशन है नो डाउट इट्स गुड थिंग क्योंकि इमिग्रेशन को बूस्ट करने के लिए एक टी आर टू पी आर नया प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस किया गया था आप एक चीज को पैरलर लेके चलें उन चीज को उन एप्लीकेशंस को भी उतनी प्रायोरिटी दें और जो दूसरी एप्लीकेशन है टी आर टू पी आर वाली उनको भी आप उतनी ही प्रायोरिटी दें उसके बाद उन्होंने बताया कि दैट आप जो है जो एप्लीकेंट्स हैं अपनी एप्लीकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं अभी जानने के जो लिमिटेड सोर्सेस हैं जैसे आप हाई कमीशन में क्वेरी कर सकते हो ठीक है अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपके साथ पास बहुत कम आती है तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ के ऊपर वी वर्क करें जो एप्लीकेंट है चाहे वो टी आर वी एप्लीकेंट उन्होंने अप्लाई किया है चाहे किसी ने पी आर अप्लाई की है ठीक है उनको ये मौका मिल सके कि दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो एप्लीकेशन है उसके करंट स्टेटस उसकी करंट सिचुएशन के बारे में एज सुन एज पॉसिबल जान सके जैसे बहुत सारे आई आर जैसे आई आर सी सी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन हम चेक कर सकते हैं उसका प्रोसेसिंग टाइम चेक कर सकते हैं फैमिली क्लास है उनका प्रोसेसिंग टाइम चेक कर सकते हैं ठीक है किन एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क हो रहा है वो चेक कर सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा भी जरूरत है उसका रीजन क्या है कि आपको पता है कि जो डाटा वहां पर प्रोवाइड किया जाता है उस हिसाब से 100 परसेंट रिवर्ट नहीं आते हैं यह चीज आप सभी को पता है तो यह लेटर फाइनली इंट्रोड्यूस किया गया है तो लेट्स सी फ्रेजर का अगला एक्शन क्या होता है बट जब भी कोई कैनेडा इमिग्रेशन की इंपॉर्टेंट अपडेट आती है जो आपके लिए वैल्यूएबल हो क्योंकि इसमें क्या चीज वैल्यूएबल निकल के आई कि अगर जो कंफर्मेशन ऑफ दी पीआर वाले बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर कोई अपडेट आती है बहुत अच्छी बात है 2020 का बैकलॉग है उसके ऊपर अपडेट आती है बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें स्पाउस भी है उसमें स्टूडेंट भी है उसमें फैमिली क्लास भी है उसमें ओपन वर्क परमिट वाले भी हैं उसमें क्लोज वर्क परमिट वाले भी हैं रीजन क्या है ओपन वर्क परमिट के रिजल्ट नहीं आने के कारण बहुत सारी फैमिलीज ब्रेक हो रही हैं बहुत सारी जो आप सभी को पता है कि पंजाब की स्पेशली सिचुएशन क्या है ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा रिलेशन अच्छे रहेंगे फैमिलीज़ के रिलेशन अच्छे रहेंगे जो देखिए जो क्लोज़ वर्क परमिट वाले हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप उसके ऊपर बात नहीं करते हो इमिग्रेशन सिस्टम अगर स्मूथ होगा ठीक है तो उससे जो बहुत सारे लोग अपनी जिन्होंने कंपनीज वगैरह में अप्लाई किया है वो भी अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज पिछले एक डेढ़ साल से दे ऑल आर वेटिंग फॉर देयर रिवर्स बट कैनेडा गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ थिंग फॉर दैट पर्सन बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना किसी भी तरह की हेल्प हाँ चाहिए स्टूडेंट वीज़ा एस में वीज़ा एप्लीकेशन आप हमारे साथ प्रोसेस करना चाहते हो देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो और कल से कंटिन्यूअसली वीडियोस आएंगी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीजा ट्रेंड क्या है स्टूडेंट्स के लिए जनवरी इनटेक मई इनटेक के लिए क्या आगे अब सिचुएशन क्रिएट होने वाली है वो एक स्पेशल वीडियो आएगी कि क्यों कैनेडा आपको चूज करना चाहिए फॉर योर फर्दर एजुकेशन माइग्रेशन के लिए बहुत सारी चीजें सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेललाइकन थैंक यू